कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये गौ माता कितनी परेशान है, इतनी सारी मक्खियाँ लग रही हैं और ढेरों कीड़े लगे हुए हैं। मुंह के नीचे भी घाव है जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं और इनके पीछे वर्जाइना में भी बहुत ढेर सारे कीड़े पड़े हुए हैं। गर्दन में भी इनके एक बड़ा घाव है। आप इन गौ माता की पूरी बॉडी पर बड़े बड़े घाव देख रहे होंगे, तो ये जो बड़े घाव हुए हैं एकदम से तो नहीं हो गए होंगे ना, ये पहले छोटे छोटे घाव होंगे। अगर कोई इन पर पहले से ही ध्यान दे देता तो शायद ये यहीं अपनी जगह पे ही ठीक हो जाती, इन्हें शेल्टर ना भिजवाना पड़ता, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से आज ये गौ माता ऐसी कंडीशन में है कि इनको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये बैठ तक नहीं पा रही हैं, खड़े खड़े ही, क्योंकि बैठेंगी तो मक्खियाँ इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। अभी क्या है, ये खड़ी हुई हैं तो अपनी पूँछ से हिला के मक्खियाँ उड़ा दे रही हैं। इनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है, इसको देखते हुए हमने SPCA में बात करी तो वो लोग कल ही गाड़ी भेजने वाले थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी इसलिए आज गाड़ी तब तक के लिए गौ माता यहीं पर ये खड़ी हुई हैं, जब तक की गाड़ी नहीं आ जाती तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं। अपने घर के बाहर से इनको भगाते हैं तो बेचारी यहाँ पे ये छुप कर खड़ी हुई हैं कि किसी तरह ये सुकून से तो यहाँ खड़ी हो सके, लेकिन सुकून कहाँ है, कीड़े इतने ज़्यादा काट रहे हैं इनको। वेट कर रहे हैं गाड़ी आने का। ये SPCA की गाड़ी आ गई है अभी। चलो है आपके इधर उधर कांटेक्ट करने से वो जानवर ठीक हो जाए, जब जानवर ठीक हो जाता है ना तो बहुत सच में बहुत अच्छा लगता है। दूध तो हम सभी पीते हैं, लेकिन सब लोग ये सोचते हैं कि हम दूध पैसे देकर तो खरीद रहे हैं, किसी का कर्ज थोड़ी ना है, लेकिन इन जानवरों से पूछिए ना कि इनके दूध को पैसों से नहीं तोला जा सकता। इनकी जो स्थिति है केवल दूध की वजह से, इनके बच्चे जो तड़पते हैं केवल हमारे दूध पीने की वजह से। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर हम सब वीगन बनने का ट्राई करें तो ये जानवर भी खुश रहेंगे और इनके बच्चे भी खुश।